डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सिंगल डायमेंशनल एरे का मेमोरी एलोकेशन, डिक्लेरेशन, इंडेक्सिंग और इनिशियलाइजेशन देखा। आई बटन पे जाएं और पिछले दोनों वीडियोस को देखें, ठीक है। उसके बाद आज के जो वीडियो में मुझे शुरू करना है वो है इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग। इनपुटिंग आउटपुटिंग मतलब पहले इनपुटिंग की बात करते हैं। जिस समय पे आपने यहाँ पे इंट आर एन और एस से लिखा था तो पता है क्या हुआ था, ये एलिमेंट जाके उस मेमोरी में एलोकेट हो गए थे, असाइन हो गए थे। मतलब अब बात ये आती है कि हम वहां से असाइन अगर कर देते हैं तो यूजर को तो फैसिलिटी मिली नहीं कि वो यूजर भी इनपुट कर सके उन वैल्यूज को और फिर देख सके। भाई आपका रिजल्ट स्टोर होता है तो आपका रिजल्ट एक जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट बना के दे देते हैं और वो जो लिस्ट होती है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाती है और कंप्यूटर में डिपार्टमेंट में जाके वो डेटाबेस में एक एक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। तो जो स्टोर किए जाते हैं मतलब इनपुटिंग की फैसिलिटी सॉफ्टवेयर वाले ने कंप्यूटर डिपार्टमेंट को दे दी जिससे क्या होता है कि वो इनपुट कर सके। तो वही केस अब हमें करना होगा कि हमें क्या करना है कि इनपुट करना है। इनपुट करना मतलब यूजर से हमें लेना है और लेके उन बॉक्सेस में जो हम बनाते हैं, जो डिक्लेरेशन के टाइम मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे बनाते हैं उसमें स्टोर करना है। तो देखो इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया इनपुटिंग। इनपुटिंग में मैंने एक एरे वही पहले की तरह डिक्लेयर किया आर इंट, मान लेते हैं रोल नंबर ही है और कितने स्टूडेंट्स का है, मान लेते हैं 5 स्टूडेंट। तो साइज ऑफ एरे कितना हो गया, 5। तो अब इसको चलाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इतनी बार मुझे प्रिंट एफ और स्कैन एफ नहीं लगाना पड़ेगा, मेरे को एक लूप लगाना है और क्या होगा वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उतनी बार चल जाएगा। तो हमारा हेडेक बचता है और कंप्यूटर का हेडेक बढ़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, अब जब लूप लगाना है तो लूप में कंडीशन भी चाहिए, इनिशियलाइजेशन भी चाहिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटर द रोल नंबर। अगर एक सिंपल वेरिएबल आरएन होता तो आप क्या करते, इसको ना लिखते, ए परसेंटेज डी एम परसेंट आरएन लिखते। अब क्या है क्योंकि ये एरे है तो एरे को कैसे लिखा जाए, तो इसके बॉक्सेस तो बनेंगे। यहाँ पे इंडेक्स मैंने बताया जब इनिशियलाइज करते हैं तो आरएन अगर 5 लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ 2 लिख दें तो RN 5 वाले में जाएगा 4 तक। तो क्या होगा, RN 4 लिखा तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर ये ऐसे होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी मुझे कुछ रखना होगा। वो क्या रखना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहां पे मैंने एक वेरिएबल आई ले लिया, आई की जगह आप कुछ भी ले लें। आई अगर वेरिएबल लिया है तो आई मस्ट बी वेरी वेरीड, क्यों, क्योंकि इट मस्ट बी वेरीड फ्रॉम 0 to n-1। n मतलब साइज, अगर 5 साइज है तो 0 to 4 वेरी करना है। वेरी कराने के लिए तो मैंने लूप लगाया है। देखो आई की वैल्यू शुरू करो कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स यानी कि 0 से। आई की वैल्यू लेस देन कहां तक लेके जाऊं, वहां तक लेके जाऊंगा जो इसकी लास्ट इंडेक्स होगी यानी कि n-1। 5-1 यानी कि 4, तो लेस देन 5 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 4 तक जाएगा। उसके बाद यहां पे लिखूंगा i++, तो ये होगा इनपुट करने का लूप। कितना आसान हो गया, देखो इसके डिक्लेयर करते ही आपकी ये मेमोरी एलोकेट हुई होगी। मेमोरी एलोकेट हुई, ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और ये 4 के लिए, ये इंडेक्स हो गई। अब कहते हैं कि इनको इनपुट करा के दिखाओ। तो देखो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी, आई इक्वल टू 0 होगा, तो 0 पे क्या होगा, एंटर द रोल नंबर, आर एन 0 पे स्टोर करेगा जो भी यूजर डालेगा। मान लो उसने 55 डाला तो ये यहां जाके स्टोर हो जाएगा। उसने दोबारा चला, लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1 हुई तो दूसरा एलिमेंट पूछा जाएगा, एंटर द रोल नंबर, उसने डाला 99 तो 99 आरएन कितने, 1 पे जाके स्टोर होगा 99। और ऐसे ही करके वो बढ़ाता रहेगा। सपोज करो 77, ये 2 पे चला जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 88, फिर ये 4 हो जाएगा और ये 66 स्टोर करने के बाद ये क्या होगा,
5 हो जाएगा, और 5 5 से लेस नहीं होता, इसलिए लूप से आउट हो जाएगा। ये तो आपको अच्छे से आता है लूप कैसे चलता है, ठीक है। इसके बाद जब ये इनपुट हो गए तो फिर ऑब्वियसली इनका कोई इनके ऊपर आया तो ऑपरेशन लगाना चाहोगे या फिर इन्हें आउटपुट करना चाहोगे, देखना चाहोगे। तो अगर ये एलिमेंट मैंने पुट कर दी, जैसे रिजल्ट स्टोर तो कर दिया कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, आप डालते हो अपना रोल नंबर और रिजल्ट आपके सामने होता है, वैसे ही करके अगर हम कोई चीज़ देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। देखो उसके लिए भी आउटपुटिंग होगी, और आउटपुटिंग में आप देखो फिर वही लूप लगाएंगे जैसे ऊपर लगाया है, I इक्वल टू जीरो, I लेस देन कितना 5 क्योंकि साइज 5 है, I प्लस प्लस, और इसके बाद यहां पे लिख देंगे I। तो देखो जब ये लूप चलेगा और I की वैल्यू 0 होगी तो 0 पे क्या करेगा, Rn 0 को शो करेगा, Rn 0 मतलब 50 में। तो यहां पे लिखा होगा आउटपुट आएगा स्लैश n से, मतलब लाइन टूटेगी, योर रोल नंबर इज 55, योर रोल नंबर इज, ऐसे करके वो लिखता रहेगा, योर रोल नंबर इज 55। जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी योर रोल नंबर इज 99, I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर 2 का शो करेगा, योर रोल नंबर इज 77, योर रोल नंबर इज 88, और योर रोल नंबर इज 66, और I की वैल्यू कितनी हो गई, अब 5 हो जाएगी, और 5 होते ही आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको आउटपुट करते हैं। अब आउटपुट एक और तरह से करने की बात करेंगे। ये तो जैसे हमने इनिशियलाइज करते टाइम पे सारे एलिमेंट इनिशियलाइज करे और एक सिंगल भी करके दिखाया, ऐसे यहां पे जब सारे एलिमेंट आउटपुट हुए तो ये जरूरी नहीं है मुझे सारे एलिमेंट देखने, आप एक देखना चाहते हो तो एक कैसे देखोगे, उसके लिए आउटपुटिंग कैसे होती है देखो। उसके लिए आउटपुटिंग कैसे होती है, बस उससे पूछा जाएगा आप बताएं कौन सा रोल नंबर चाहते हैं। तो उसने कहा, मान लेते हैं ऐसे लिखा प्रिंटफ, एंटर द स्टूडेंट नंबर नंबर, और स्कैनएफ में मैंने कहा परसेंटेज डी के थ्रू एम्परसेंट एन, एन में वो वैल्यू आ गई स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, जो आ गया तो मुझे यहां प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन क्यों, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये बात बार बार आ रही है। तो अगर पहले वेरिएबल की कोई बात करेगा तो क्या होगा, पहले के लिए जीरो आना चाहिए, तो एन मतलब वन और वन माइनस वन मतलब जीरो। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जीरो एलिमेंट के लिए दिखाना है, वो पहले वाले के लिए जीरो दिखाना है इंडेक्स। अगर मान लो एन वो फाइव कहता है तो फाइव माइनस वन फोर, ऑटोमेटिकली वन टू थ्री फोर फाइव, यूजर के लिए तो ये फिफ्थ एलिमेंट है लेकिन हमारे लिए क्या है, ये हमारी इंडेक्स बैठती है 4, तो 5 माइनस 1 4 को शुरू। इस तरह से हम इनपुट और आउटपुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, इंडेक्स कैसे बनती है, फिर उसके बाद में इनिशियलाइज कैसे होता है, इनिशियलाइज या आउटपुट वो इनपुट, इनमें से कोई एक चीज ली जाएगी। अगर इनिशियलाइज कर देते हो तो इनपुट करने की जरूरत नहीं है, और इनपुट कर देते हो तो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियलाइज देन आउट इनपुट फिर आउटपुट, ये मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई और वो आपको समझ में मुझे आशा करता हूं आती आ भी गई होंगी। अगले वीडियो में अब हम लेके चलेंगे डेमोंस्ट्रेशन कि ये चलेगा कैसे, ये प्रोग्राम कंप्यूटर पे कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगले में पहुंचेंगे, ठीक है। विश यू गुड लक।